महबूब मिलते नहीं अटियां ताई इश्क फिर भी बोलियां ला देंदा अल्लाह इश्क नू ए तौफीक बख्शी नेदे उत्ते कुरान सुना देंदा राह इश्क ते टुरना बहुत औखा जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा ला के तख्त तो ताजा वालियां नू खाक रोकां दे नाल मिला देंदा दानिशवरां तो हल ना होन जेड़े ऐसे नुक्ते भी इश्क समझा देंदा लोकी पीरां दे हाथ चुमन नहीं देंदे इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा। मैं सर आसिफ को सलाम कहता हूँ, मैं खुद को सर का गुलाम कहता हूँ, मैं खुद को सर का गुलाम कहता हूँ। मुझे नाम वो अक्सर मुझसे कहती थी रियाजी कुछ सिखा दो ना, वो अक्सर मुझसे कहती थी रियाजी कुछ सिखा दो ना, ये सेटों की तकाते और यूनियन कुछ बता दो ना। या जो भी है मेरा दम कर दे, कोई है जी शायद दम कर दे, तानो माया याद आवे ना, कमाया याद आवे ना। है बेचारा किस्मत हारा तावी करदारिया, किवें तू मरदी सी गहरा ते तेरे ते मरदारिया। भाइयो स्कूलों ना छंडी नहीं ते बड़े नहीं सी आपे आली खाल नहीं है पौंदी अग बाल नहीं है पौंदी पानी आपे लाना पौंदा पट्ठे वड़ने पौंदे आपे। अपनी जुबान ना को लगा के दिखाए तीन तरीके से रोक कर दिया है। कि जितना बड़ा जिंदगी में आपको चैलेंज है, जितना बड़ा चैलेंज आप फेस करेंगे ना, उतना ज्यादा अजीम बन जाए। मुश्किलात आती है, कोई भी ऐसा नहीं है भाई का लाल मुश्किलात ना। अगर आपको जिंदगी के अंदर कभी डिसीजन लेना पड़े, फैसला करना पड़े दो चीजों के दरमियान, एक आपका किरदार है और दूसरा पैसा, तो तरजीह पैसे को नहीं देंगे, शोहरत को नहीं देंगे कि मैं इससे मशहूर हूं।
फिर तरजीह किसको देनी है? करदार को देनी है, अपने करैक्टर को देनी है, क्योंकि करैक्टर जो है ये बिगड़ गया तो नहीं बना सकते, करोड़ों में नहीं खरीद सकते, अपना आप बेच कर भी नहीं खरीद सकते, पैसा तो आती जाती है। अलैहिस्सलाम का गोल है पैसा जो है ना वो जमीन के नीचे ही रहना चाहिए, जब इसको सर पे चढ़ाओगे ना ये मट्टी होती है, मट्टी की तरह है, हाथों की महल है, जब इसको सर पे चढ़ाओगे ना तो ये कब्र बन जाएगी। अल्लाह ताला जिसको हलाक करने का फैसला करता है उससे हया की दौलत छीन लेता है, बेशर्म हो जाते हैं। जब आदमी बेशर्म हो गया आपका टीचर आपको कुछ नहीं देता, जब आदमी बेशर्म हो गया आपका भाई आपको कुछ नहीं दे सकते, जब आप बेशर्म हो गए आपका वालिदैन आपके साथ लड़ नहीं सकता, वो आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, तो इसके अंदर फासला है, तो वो यही पैमाना है हया का। हया कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा हया है उतनी बड़ी कामयाबी है। अभी